लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ये माथे में थोड़ा दर्द कर सकता है क्योंकि ये जो है ना ये काम करना सिखाता है सतत और लगातार लगातार तीस बरस लगातार जाधव मोलाई पयांग ने पेड़ लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल मोलाई फॉरेस्ट बना दिया क्या चीज इंपॉर्टेंट थी लगातार वेरी इंपॉर्टेंट तीस वर्षों तक लगातार दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा, तोड़ा 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 जगत हंसारे एक दिन माउंटेन मैन बन गया इंपॉर्टेंट चीज क्या थी लगातार आप भी अमीर बनोगे लेकिन लगातार इसी काम को करते करते लगातार लगातार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कहता है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी क्योंकि ध्यान रखना टैलेंट शुरू चाहे ऊंचाई से होता है लेकिन रहता कॉमन है और बेचारा कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाला चालू जीरो से करता है चाहे लेकिन ग्राफ भारी बनता है अब आप इसकी डायरेक्शन आखिर तक ले जाओ और इसकी डायरेक्शन आखिर तक ले जाओ रिजल्ट किसका है वो आपको आज आज आपको नक्शे ये ये सब आज पता चली गए कि भाई ये कितना क्या हो सकता है एक डिग्री हवाई जहाज का चित्र से आपको पता चल गया पाकिस्तान में उतरेगा सीधा मोटिवेशन आपको शुरू करता है लेकिन अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है आज की मीटिंग का मोटिवेशन आपको चालू कर सकता है दुबई पहुंचा सकता है एक दो और अच्छे काम करवा सकता है लेकिन अमीर कौन सी चीज बनाएगी डिसिप्लिन लगातार जिंदगी में वो काम करते रहना तो रोज और लगातार जिंदगी बदल जाएगी आपकी भाई साहब लेकिन काम करना पड़ेगा और अब मैं जो चार प्रश्न बता रहा हूं इन चार प्रश्नों से आपकी लाइफ जबरदस्त बदल जाएगी कंसिस्टेंसी के एग्जाम्पल में चार प्रश्न अपने आप से पूछना और चारों पहले बता देता हूं क्या कैसे क्यों और कब ये चार प्रश्न आएंगे राइट तो चलते हैं चार प्रश्नों की तरफ क्या आप जानते हैं कि आपको क्या सुधार करने की आवश्यकता है कोई भी इतना हिम्मतदार आदमी आज बैठा है क्या यहाँ जो कह सकता है सर आज के बाद मेरे जीवन में ये चीज़ को और थोड़ा सा बदलूँगा और इम्प्रूव करूँगा क्या सुधारना है ये जिसको पता चल गया ना क्या कांडी क्या में है क्या सुधारूं तो आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स कई गुना मल्टीप्लाई होने के लिए तैयार हैं तो समझो अपने आप को रोज सुधारना आपको संभावनाओं से भरे भविष्य की गारंटी देता है जैसे मैडम ने पूछा कि इसमें कमी भी हो सकती है बढ़ भी सकता है क्या मैं किस भी पे इतनी बड़ी कैलकुलेशन दिखाई संभावनाओं से भरी हुई गारंटी देता है क्या रोज लगातार अपने आप को सुधारना मैं डेली अपने आप को इंप्रूव करता हूं मैं डेली अपने आप को इंप्रूव करता हूं तो डेली करता हूं तो फिर महीने की आदत पड़ गई कि फिर डेली करने से महीने में क्या बड़ा बदलाव होगा जब मैं डेली से महीने की तरफ बढ़ता हूं तो साल भर बाद मुझे रिजल्ट मेरे कल दिखते हैं रिजल्ट्स को टाइम लगता है लेकिन वो रिजल्ट डेली डेली करके ही तो बनते हैं तो मैं जो डेली 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 करता हूं उसका रिजल्ट एक साल बाद भयानक होता है चलो इससे बड़ा क्या होगा एक चीज तो आज मैंने मेरा पोर्टफोलियो दिखा दिया आपको पोर्टफोलियो दिखा दिया आपको मैंने मैंने पोर्टफोलियो दिखाया सब लोग नहीं देख पाए लेकिन मैडम को दिखाया नरेंद्र जी थे आप थे सर मैंने पोर्टफोलियो दिखाया तीनों फंड दिखाए फिर मिलेंगे और फिर दिखाऊंगा इसका क्या हुआ अगले तीस वर्षों तक दिखाता ही रहूंगा और मजा तब आएगा जब दोनों दिखाएंगे अपन बिल्कुल yes. अरे मजा मैं मैं जिन जिन के साथ ये चर्चा की ना क्योंकि ये ये मेरी ट्रेनिंग ट्रेनिंग का ओपन ट्रेनिंग तो आज ये कवर किया है पहली बार लेकिन मैंने चेन्नई में जिनको बताई सबने दमा दम दर 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 अब रोज वो भेजते हैं आज 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 बढ़ बढ़ गया 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 घट घट मजा आ रहा है उनको लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमने जिंदगी में पहली बार काम पे तो लगाया अरे वो किसी काम का नहीं था वो घटब तो रहा है कहने का मतलब है रोज सुधारना अपने आप को और आज आपको पता है आज आपने जो चीज सीखी अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर तो आपके जीवन का, अब तक के सबसे भयानक डिसीजन में से डिसीजन होगा कि आपने किसी को काम पे लगाया नहीं अब तक तो आप समझ रहे मेरे एसोसिएट लगे हुए हैं अरे प्रकृति में एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो रात को भी काम करे सोते टाइम भी काम करे रोज मतलब इतना रोज डेली आपका भविष्य आपके व्यक्तिगत विकास पर निर्भर करता है पर्सनल डेवलपमेंट जो होगा ना वही भविष्य बनाएगा हमेशा अपने पर्सनैलिटी को निखारते रहो हमेशा डेवलप करते रहो हमेशा अपने आप को डेवलप करते रहो चाहे वो हेल्थ हो वेल्थ हो हैप्पीनेस हो आप मुझे कितने सालों से देख रहे हो इनमें घटोतरी हो रही है कि बढ़ोतरी हो रही है, है। चमक में घटोतरी है कि बढ़ोतरी है? है कच्ची कली बनता जा रहा हूँ हाँ भी कर रहे हो गुड मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन तो जैसे जैसे बढ़ता है तो करोड़ों लोगों का तो गिरता रहता है मायूसी आती रहती है झुर्रियां पड़ती रहती है वो कौन सी चीज है जो आपको जिंदगी में ग्रो कर रही है अपोजिट जा रहे हो एज के अपोजिट जा रहे हो खुशियों के और आगे जा रहे हो डिसिप्लिन क्योंकि मोटिवेशन तो केवल स्टार्ट ही करता है लगातार ग्रो तो अनुशासन करता है डिसिप्लिन करता है